आदापुर थाना क्षेत्र के गांव बिशनपुरवा के रहने वाले भारतीय सेना के जवान शहीद मिथिलेश यादव का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव बिशनपुरवा पहुंचा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि हजारों हजार लोगों का काफिला यहां मौजूद है, सेना की विशेष टुकड़ी यहां पे मौजूद है। मैं आपके साथ में सीधी तस्वीरें साझा करने जा रहा हूँ बिशनपुरवा से, जहाँ सिक्किम में देश रक्षार्थ अपना बलिदान देने वाले शहीद मिथिलेश यादव का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर सेना के विशेष वाहन में सेना टुकड़ी की मौजूदगी में उनके पैतृक गांव पहुंच रहा है। मां भारती के लाल ने अपने कर्तव्य पथ का निर्वहन करते हुए सिक्किम में देश रक्षार्थ अपना बलिदान दिया था। कुछ महाबहादुर शहीद की शादी होने वाली थी, परिवार वाले घर में शादी की तैयारियां कर रहे थे, तो इस बीच शहादत की सूचना उनके कानों में गूंजी तो घर में कोहराम मच गया। मां भारती के लाल जो कि सिक्किम में तैनात थे और ड्यूटी के दौरान इनका निधन हो गया। अपर समाचार यूट्यूब चैनल शहीद जवान के शिव चरणों में कोटि कोटि नमन करता है और मिथिलेश जी यादव को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अपर समाचार यूट्यूब चैनल पर। आपसे मेरा क्रमबद्ध निवेदन रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके आसपास के क्षेत्र में होने वाले शहीद जवान की जानकारी आप तक पहुँच सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अपर समाचार यूट्यूब चैनल शहीद जवानों को समर्पित है। शहीद जवान से संबंधित जानकारी, उनके शहादत के कारण, उनके निवास स्थान आदि की जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के गांव बिशनपुरवा के रहने वाले भारतीय सेना के सैनिक मिथिलेश यादव जी के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि इन्होंने सिक्किम में रहते हुए देश रक्षार्थ अपना बलिदान दिया है और आज इनका पार्थिव शरीर इनके पैतृक गांव सेना के विशेष वाहन में तिरंगे में लिपटा हुआ पहुंचा है। वहीं तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर देख शहीद परिजनों का रो रो के बुरा हाल हो गया। अपने माता पिता की इकलौती संतान का इस तरह यूं चले जाना, घर में कोहराम मच गया है। मां भारती के लाल ने अपने कर्तव्य पथ का निर्वहन किया है। अपर समाचार यूट्यूब चैनल इनकी शहादत को सलाम करता है। शहीद जवान सिक्किम में तैनात थे, हजारों लोगों की मौजूदगी में शहीद का पार्थिव उनके पैतृक गाँव पहुंचा है। भारत माता के जयकारे यहाँ पे लग रहे हैं। उन्हीं शहीद मिथिलेश यादव रहे के अमर रहे के नारे यहाँ पे गूंज रहे हैं। आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो जरूर शेयर करें आप, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हजारों हजार लोगों का हुजूम यहाँ पे उमड़ा हुआ है। हर कोई शहीद मिथिलेश यादव के नारे लगा रहा है और वहीं लगाने भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया है और अपने माता पिता की इकलौती संतान, घर का एकमात्र चिराग इस तरह से चला गया और देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर गया। बिशनपुरवा का नाम आज पूरे जिले सहित पूरे देश भर में रोशन हो गया है। आज हर कोई बिशनपुरवा के लाल को नमन कर रहा है। सही जवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।